आपको बताएं, डीबी गुप्ता अब 1 अक्टूबर 2021 तक सीएम सलाहकार पद पर बने रहेंगे। यह आदेश जारी होने के बाद सबसे पहले फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने कृषि से जुड़े सेक्टर पर कार्य करने को प्राथमिकता बताया। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य पद को लेकर चर्चाओं के बारे में वे कुछ नहीं बोले। हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ हैं डीबी गुप्ता, जिनका कार्यकाल बढ़ गया है, सीएम के सलाहकार पद पर वे बने रहेंगे एक साल तक। बात करते हैं डीबी गुप्ता से। सर, ये कार्यकाल बढ़ गया, आप कैसे, आपकी पूरी योजना रहेगी आगे की, क्योंकि आपने कृषि वर्क पर फोकस किया है। देखिए, आज जहाँ तक बात भारतीय प्रशासनिक सेवा की है, वहाँ से मेरी सेवानिवृत्ति है। 37 साल से अधिक की सेवा करके आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। अब जो आगे की बात है पोस्ट रिटायरमेंट, उसमें जो एडवाइज़र टू सीएम वाला जो पद है उसको एक साल के लिए बढ़ाया गया है। तो उसमें मेनली मुझे जो देखने के लिए कहा गया है वो है कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता और डेयरी और पशुपालन। ये जो कृषि और उससे संबंध विभाग हैं उन्हीं के बारे में मेजर फोकस वो रहेगा, लेकिन साथ में रखा गया इसके अलावा भी जो भी मुख्यमंत्री जी चाहेंगे वो काम और प्रोजेक्ट्स मेरे को दिए जा सकते हैं। इस दौरान सर कई तरह की चर्चाएं रहीं, क्या मुख्य सूचना आयुक्त बनने का, जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी उस तरह से निभाएंगे? देखिए, ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री जी के प्रेरोगेटिव हैं। जब जब वो समय होगा और जो डिसीजन उनके हैं, ये कि मतलब मुख्य सूचना आयुक्त एक सिलेक्शन की पोस्ट है, वो आगे प्रक्रिया चलेगी तो वो किसमें क्या होता है उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो एडवाइज़र के पोस्ट पे मैं बरकरार रहूँगा एक साल के लिए। ये आज कार्मिक विभाग के आदेश निकला। तो ये हैं डीबी गुप्ता, इनका कहना है कि जो एक साल का जो पद रहा है उसको बखूबी निभाते हुए कृषि, उद्यानिकी और तमाम तरह के जो उनको फोकस एरिया दिए हुए हैं उस फोकस एरिया पर काम करते हुए उसमें प्रगति कैसे सुनिश्चित की जाए वो सुनिश्चित की जाएगी। अन्य तरह की जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो अपने हिसाब से वो निभाते जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।